नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र साहू हेयर इन केयर रायपुर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेयर पैच के बारे में, बेबी हेयर पैच। बेबी हेयर पीस पैच हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सभी पीस का नाम अलग अलग है। पैच वही होता है लेकिन उसमें जो बुनाई जो होता है, उसकी नोटिंग जो होती है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। पैच सभी बेस्ट होता है, आप नॉर्मल पैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिराज पैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं बेबी हेयर पैच की खासियत के बारे में। बेबी हेयर पैच में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल पैच में देखते हैं इस तरह से बॉर्डर होता है, ये प्लेन होता है। अगर बेबी हेयर पैच की हम बात करेंगे तो इस तरह से इसका जो बॉर्डर होता है बहुत पतला होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे बहुत क्लीन बॉर्डर होने की वजह से बिल्कुल पहना हुआ फील नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया लगेगा। उसके अलावा हम बात करेंगे तो इसमें बेबी हेयर इसका नाम इसलिए दिया है, आप देख रहे हो फ्रंट में जो है एक हल्का से छोटे छोटे बाल दिया है जिसको हम बेबी बोल रहे हैं। इस बेबी हेयर की खासियत ये होगा, जैसे ही हम बालों को अगर बैक कॉम्बिंग भी करते हैं तो बाकी जैसे नॉर्मल पीस में अगर 1% कहीं दिखने का जो चांस होता है फ्रंट का बॉर्डर, वो इस पे नहीं दिखता है। इसलिए आप आसानी से बेबी हेयर पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम पैच के बारे में बात कर रहे हैं, पैच किसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हेयर पैच उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनके सिर में बाल नहीं है, गंजेपन आ चुका है, आपके बाल झड़ चुके हैं, आपका स्टाइल नहीं बन पा रहा है, तो आप हेयर पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बेबी हेयर पैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हेयर पैच लगाने से आप आराम से लगे हुए नहाना है, धोना है, कंघी करना है, शैम्पू करना है, जो भी हम बालों के साथ जो नेचुरल वे में जो करते हैं, डेली बेसिस में जो करते हैं, उसमें किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप आराम से बेबी हेयर पैच का इस्तेमाल कीजिए, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थैंक यू।